दोषामीन दिनों भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है। दो रिश्वत कांड में धरे गए एसडीएम के बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दो और पुलिसकर्मी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडावर थाना अधिकारी लाल सिंह और उसी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल भूपेंद्र को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। 9 तारीख को एक परिवादी है जिसने हमें कंप्लेंट की थी कि मेरा भाई पुलिस के मुकदमे में बंद है और उसको तीसरी रिमांड ओवर नहीं लेने और केस में राजीनामा करने के वजह के अंदर एसओचओ द्वारा रिश्वत मांग की जा रही है, जिसमें हमने मांग सत्यापन करवाया था। सत्यापन के द्वारा 20,000 रुपये यहाँ पर थाने पर हेड कांस्टेबल ने प्राप्त कर लिए। उसके बाद आज कार्रवाई की थी, ट्रैप का आयोजन किया था। ट्रैप के आयोजन के द्वारा 20,000 रुपये आज थाने पर एसएचओ से मिले, तो एसएचओ ने परिवादी के भाई जो कि हवालात में बंद था उसको दिलवाए, जो उस समय बरामद कर लिए। इसे टोटल 40,000 की मांग थी, वो हमने बरामद कर लिया। आगे हमको डिटेन करके आगे कार्रवाई। इस कार्रवाई के अंदर श्रीमती रीना मिस्त्री इंस्पेक्टर ट्रैप प्रताधिकारी है और सहयोग में हेमंत वर्मा पुलिस इंस्पेक्टर, हमारी पूरी टीम इसमें कार्रवाई करेगी। ट्रैप किया थानाधिकारी लाल सिंह जी और हेड कांस्टेबल रूपेंद्र सिंह। इस मामले में एसएचओ लाल सिंह और हेड कांस्टेबल ने एक लूट के आरोपी से रिश्वत मांगी थी। दोनों ने लूट के आरोपी का रिमांड ना लेने को लेकर पैसे की मांग की, जिसके बाद परिजनों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को लिखित में शिकायत दे दी और उसके बाद से ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरकत में आ गया। गुरुवार को अधिकारियों ने मंडावर थाना अधिकारी और कांस्टेबल को रंगे हाथों दबोच लिया। बहरहाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। विभाग की इस कार्रवाई से सभी सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। पंजाब के सी टीवी राजस्थान के लिए दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।